यस पील गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं सो गाइज ऑल सेट फॉर द नवंबर एग्जामनेशन सो भाई साहब प्रिपरेशन पूरा हो चुका है सर लास्ट का स्टेज चल रहा है बहुत स्ट्रेस आ रहा है नवंबर के एग्जाम कैसे रहेंगे या नवंबर के एग्जाम डिफिकल्ट रहेंगे राइट आंसर इज नो गाइस नवंबर के एग्जाम बहुत अच्छे रहेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा पेपर भी बहुत अच्छा आएगा और मैं बता दूं दू पेपर इज डिफिकल्ट ना डिफिकल्ट फॉर ऑल एंड अ पेपर इज इजी देन इजी फॉर ऑल सो डोंट वरी अबाउट दैट बट इस बार भैया आपको एग्जामिशन स्कोर करना है और अच्छे से आपको एग्जाम देना है तो मैं आपको आज कुछ क्लेरिफिकेशन बता रहा हूँ क्लेरिफिकेशन क्यों है ये बिकॉज गैस देअर वॉज सम एम्बिग्यूटी और यू कैन से दैट द कॉन्ट्राडिक्टी व्यूज आर अवेलेबल इन द मार्केट So now what ICI is exactly following for your examination? So you should take care about this point. Okay. First point is related to ke sir, if there is a domestic company and domestic company turnover for previous year 21-22 is up to 400 crore, then domestic company tax rate is 25%. But sir, what about if domestic company is incorporated in previous year 22 23 or previous year 23 24? सो ट्वेंटी टू 23 थ्री या ट्वेंटी थ्री में वो डोमेस्टिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो क्या उसको सर 25% का का टैक्स रेट बेनिफिट मिलेगा या उसको 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा मैंने आपको पढ़ाते टाइम बोला था कि देर इज अ अंट्राडिक्शन इंस्टीट्यूट ने पहले एक एमसीक्यू दिया था देयर दे टुक दीपी में एक क्वेश्चन दिया एंड उस एमटीपी के क्वेश्चन में दे ट्वेंटी द परसेंट So, guys, remember for your examination, if the company incorporated in the previous year 22 23 or company incorporated in the previous year 23 24, then our assumption that in the previous year 21 22, their, their turnover is up to 400 crore. So, here tax rate benefit of 25% is available. Answer is yes. So, 25% tax rate benefit is available. So, first is this clarification for your examination. now guys, if you you remember the the section 94b that 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 is related to interest to interest associate enterprise thin you know that in the transfer pricing ट्रांसफर प्राइजिंग वी है आपको इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है Miss, आप अगर अपनी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लेते हो और उसको जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो पूरे साल का मिला के वन करोड़ से ज्यादा है तो वो इंटरेस्ट की एक लिमिट है और एक्सेस इंटरेस्ट दिस अलाउड होगा टोटल इंटरेस्ट माइनसिएट इप्राइजर अब क्वेश्चन टोटल इनकम टोटल इंटरेस्ट सो हियर टोटल इंटरेस्ट मीन ऑल द इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट पेड टू दउट साइडर एज वेल एज इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट इंटरप्राइज और ओनली इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट इंटरप्राइज नाउ गाइज हिस्सा Earlier, there was a like still there is a confusion, but ICI now took the view. ICI says that total interest means only total interest paid to the associate enterprise, only total interest paid to the associate enterprise. So, in Like simple word, whatever interest paid to associate enterprise minus 30% of EBIT, EBITDA or interest to associate enterprise whichever is lower is that is disallowed. So in simple word, guys, आपको इतना याद रखना है कि now आपको इतना याद रखना है उसमें मैंने alternative view दे रखा है और वो alternative view है वो ये बोलता है कि EBITDA का 30% तक interest is allowed. का थर्टी परसेंट इंटरेस्ट इज अलाउड इज इंटरेस्ट टू दसोसिएट इंटरप्राइज मीन दैट लिमिट ऑफ थर्टी परसेंट इबिटाजी फॉर एन एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर ऐसा दे देरप्राइज है दट इज सपोज थ्री फिफ्टी करोड़ है एंड गाइज आपका इबिट्टा है तो इबिट्टा इज सपोज वन थाउजेंड करोड़ है सो इबिट्टा इज वन थाउजेंड करोड़ हियर सो गाइज देर लिमिट ऑफ दिस थर्टी परसेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इंटरेस्ट टू असोसिएट एंटरप्राइज so how much will be disallowed so ebitda is 1000 crore multiplied by 30% it comes to the 300 crore so 300 crore interest to associate enterprise is allowed and associate enterprise you paid 350 crore so here guys your disallowed interest will be only 50 crore disallowed interest is only 50 crore only 50 crore is your disallowed interest that view you have to consider and other interest to outsider is totally allowed Interest to outsider is totally allowed. So, in simple word, guys, here this total interest means that is interest to only associate enterprise. So, here interest to associate enterprise is 350 minus 30% of EBITDA is basically 300. So 50 and associate enterprise interest is 350, lower comes to 50. So only 50 is going to be disallowed. You understood my point or not? Yes. So that you have to remember. Okay. For your examination, this November exam. Now one more point. Section 115BAC, alternative taxation regime for the individual, huf AOP, BOI, artificial juridical person. Guys, you know that when assessee opt 115BAC, that is basically your default taxation regime. Now 115BAC if assessee uh, follow, then you know that house property head loss, and if that house property loss is due to the LOP, let out property or deemed to be let out property, it is not allowed to be set up against any other head.

means not allowed to carry forward so this loss is not going to allow to carry forward there was an interpretation issue but now it is very clear that this loss is not allowed to be carried forward so if there is a house property loss from the lop or deemed to be let out property then guys it is not allowed to be set up against any other head of income as well as it is not allowed to be carried forward so these are three small small clarification that you should take care in your mind and guys एग्जामिनेशन अच्छा रहेगा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है एंड बेटा एक बात बताऊं आपने इतना हार्ड वर्क किया है आपने अपनी दिवाली सेक्रीफाइस कर रहे हो तो भैया कुछ ना कुछ तो हमारे लिए अच्छा लिखा होगा ना इस दुनिया में जो आप मेहनत कर रहे हो जितना आप एफर्ट लगा रहे हो इसका कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा फ्रूट मिलेगा भगवान ने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए अच्छा डिसाइड कर रखा है और उसका फ्रूट जल्दी ही मिलने वाला है जस्ट गिव योर हंड्रेड परसेंट थोड़ा खुश रखे पढ़ाई करो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है बिकॉज स्ट्रेस लोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा करके और एग्जाम में जाओ तो बिल्कुल पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना एग्जाम में पैनिक बिल्कुल नहीं करना पेपर इजी आता है देन इट आल, डिफिकल, देन इट इज इज इजी फॉर फॉर ऑल ऑल पेपर डिफिकल्ट डिफिकल्ट जितना कूल दिमाग रख के और आप सॉल्व करोगे उतना अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं सो so, एकदम कूल रखने का और मोबाइल वगैरह को ज्यादा यूज नहीं करने का फेंक दो मोबाइल को एक बार कभी भी ऐसा ज्यादा स्ट्रेस आता है थोड़ा आधा घंटा वॉक करने चले जाना कहीं पे कुछ क्रिकेट वगैरह खेल लेना आधा घंटा एक घंटा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है बट गाइज मैं बताऊं अब इतना एफर्ट आपने दे दिया है तो बस थोड़ा और है बस ये कुछ दिन और है जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद पार्टी और उसके बाद आप लोग मुंबई आओगे सीए बनने के बाद और हम मिलने वाले हैं करके ठीक है सो गाइज थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स इन अफ फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड मैं आपको एग्जाम से एक दिन पहले कैसे पढ़ना है दैट आई विल अपलोड वन प्लानर कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले कैसे कैसे डी टी को रिवाइज करना चाहिए कौन कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी में लेना चाहिए आई विल गिव यू दैट प्लानर डोंट वरी तो एक लास्ट वीडियो आपके लिए रहेगा जब आपका एग्जाम से पहले एग्जाम से चार पाँच दिन पहले आई विल पुट द प्लानर ठीक है चलो थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स अना फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड